बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद फजान, सो वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सपेरिमेंट नंबर 9, दैट इज टू डिटरमिन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाई व्हील। सो लेट अस स्टार्ट बाय डिफाइनिंग व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है हमारे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की क्वालिटी है उस के वो एंगुलर एक्सेलरेशन को कितना रेजिस्ट कर सकती है। ठीक। सो इन फिजिक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग अ बॉडीज टेंडेंसी टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हिच इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द मास ऑफ ईच पार्टिकल इन द बॉडी विद द स्क्वायर ऑफ द ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बॉडी कितना ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है, उसकी टेंडेंसी को बॉडी की उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और ये इक्वल्स टू होता है हमेशा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, और इसके अंदर ये प्रोडक्ट होता है बेसिकली मास का और आर स्क्वायर का, जिसके अंदर मास जो है वो आपके पास प्रोडक्ट का मास है, बॉडी जो है आपकी फ्लाई व्हील की टोटल का मास मल्टीप्लाई बाय अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस कितना उसके स्क्वायर के साथ। सिंपल से डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो क्योंकि हम मोमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि मोमेंट क्या होता है या टॉर्क क्या होता है। टॉर्क मोमेंट और मोमेंट ऑफ फोर्स इज द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस। मोमेंट या टॉर्क हम उस चीज को कहते हैं, ऐसी टेंडेंसी बॉडी की जो कि उसको उसके एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट करे, वो हमारे पास उसका बॉडी का मोमेंट होता है। ठीक है, इसी तरह आप देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ग्रीक लेटर होता है हमारे पास अल्फा, उससे हम डिनोट करते हैं। तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि फ्लाई व्हील क्या होता है। ठीक है, फ्लाई व्हील इज बेसिकली अ हैवी रोटेटिंग बॉडी दैट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर ऑफ एनर्जी। जो फ्लाई व्हील होता है आपके पास बेसिकली एक रोटेटिंग बॉडी होती है, एक स्फेयर होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है, जो कि एनर्जी स्टोर करने के लिए काम आता है। और जब आप उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसका जैसे जैसे वो रोटेट करता है तो उस एनर्जी को वो रिलीज कर देता है। ठीक है, फ्लाई व्हील इज एक्सटेंसली यूज इन एप्लीकेशन लाइक पंचिंग प्रेस। ठीक है, पावर इज सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट, जो आपकी पंचिंग प्रेस होती है इसके अंदर यूज करते हैं। उसके अलावा आईसी इंजन में इसका बहुत ज्यादा यूज है। और फंक्शन फ्लाई व्हील का क्या होता है कि टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी व्हेन नीडेड ड्यूरिंग द वर्क साइकिल। मेन इसका फंक्शन, सबसे जो जरूरी फंक्शन है वो यही है कि एनर्जी को स्टोर करे और रिलीज करे जब भी आपको वर्क साइकिल के दौरान इसकी जरूरत हो। टू रिड्यूस द पावर कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी पावर कैपेसिटी को रिड्यूस करता है। टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ फ्लक्चुएशंस, और ये आपको फ्लक्चुएशंस जो आती हैं आपके सिस्टम के अंदर, आपके वर्क साइकिल के अंदर, उनको रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल होता है। मटेरियल्स जिनसे बनता है हमारे पास जो फ्लाई व्हील है, नॉर्मली कास्ट आयरन का बनता है। कास्ट आयरन का हम इसलिए बनाते हैं कि एक तो इसकी जरा प्राइस थोड़ी कम होती है, कास्ट आयरन दीज आर वेरी अवेलेबल एट लो प्राइसेस। एंड कास्ट आयरन के जो फ्लाई व्हील होते हैं उसको आप कम्प्लेक्स शेप दे सकते हैं कुछ एक्सटेंसिव मशीनिंग ऑपरेशन किए बगैर। ठीक है, और वाइब्रेशन को भी जो कास्ट आयरन के मटेरियल होते हैं वो जरा डैम्प करने में उनको मदद मिलती है कास्ट आयरन से। हाउएवर इट हैज पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इट्स फेलियर इज सडन एंड टोटल। तो कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है जो फ्लाई व्हील कास्ट आयरन से बना होता, और उसके फेलियर का चांस जो है वो भी अपने जगह पर होता है। तो ये एप्लीकेशंस हैं, ये वही हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो इंजन में यूज होते हैं, ठीक है, उसके अलावा पंचिंग मशीन में यूज होते हैं। आजकल जो आपके फ्लाई व्हील्स हैं सैटेलाइट पॉइंटिंग ऑपरेशंस के अंदर भी यूज होते हैं। ठीक है, सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट्स की करेक्शंस के लिए भी यूज होते हैं, और हाई इलेक्ट्रिक पल्सेस को भी जनरेट करते हैं क्योंकि एनर्जी स्टोर करते हैं, तो फिर इनको हम हाई इलेक्ट्रिक पल्सेस को भी डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए इनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका फ्लाई व्हील आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जो रोटेटिंग बॉडी है आप ये वाली,
ये आपका फ्लाईव्हील है बेसिकली। और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में होगा क्या कि आप लोगों ने बेसिकली एक थ्रेड के साथ एक हैंगर लटकाना है, ठीक है। उस हैंगर के अंदर आपने वेट्स डालते जाना है। अब ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है फ्लाईव्हील का, ठीक। जैसे जैसे आप लोड अप्लाई करते जाएंगे वो इस अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अगेंस्ट रोटेट करता रहेगा, ठीक है। थ्रेड हमने इसके इर्द गिर्द बांधा होगा जो कि वेट के साथ इधर, ये सारा एक किस्म का थ्रेड है और ये आपका हैंगर, ठीक है। साथ आप उसके अंदर वेट ऐड कर रहे हैं, जैसे जैसे वेट ऐड करते जाएंगे आप थ्रेड आपका खुलता जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में आपने करना क्या है कि आपने वेट ऐड करते जाना है। सबसे पहले तो आपने हाइट नोट कर लेनी है कि आपकी हाइट कितनी है वेट की और नीचे आपके फ्लोर की, उस पर कितना डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद आप लोगों ने बेसिकली उसके बाद आप लोगों ने देखना ये है, आप लोगों ने वेट ऐड कर देना। वेट ऐड करने के बाद आप लोगों ने जैसे जैसे आपका थ्रेड खुलता जाएगा वैसे वैसे आप लोग इसका टाइम नोट करते रहेंगे, ठीक। तो 3 दफा हम हर लोड डालने के बाद रीडिंग लेंगे ताकि हम लोग अपने एक्चुअल जो टाइम है उसके करीब करीब पहुंच सकें। तो इसका प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट का यही है सिंपल, ठीक है। तो मेजर जो हाइट है वो आपने ग्राउंड और हैंगर के बीच निकालनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और वेट्स आपने अप्लाई करते जाना, टाइम आपने 3 दफा नोट करना है। और जब ये सारी रीडिंग्स आपके पास आ जाएंगी तो आपने पी इंटू आर स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 2h, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला है, इसके थ्रू आपने उसको निकाल लेना। ये आप लोगों के पास ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन का टेबल है जो कि आपके मैनुअल के अंदर भी है, इसको आप लोगों ने यूज करते हुए रीडिंग्स को फिल कर लेना। अब इसके अंदर आप चाहें या तो अपना लोड कांस्टेंट कर लें या हाइट कांस्टेंट कर लें। तो हाइट को कांस्टेंट करना ज़्यादा ज़्यादा आसान काम है, तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में हाइट को कांस्टेंट रखेंगे और लोड को वेरी करेंगे, ठीक है। और हर लोड के लिए आपने 3 टाइम लेने, उसके बाद उसकी एवरेज ले लेनी और उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट कर लेना। तो अब वीडियो देखते हैं एक्सपेरिमेंट की, कि वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपेरिमेंटली करके दिखाते हैं कि एक्सपेरिमेंट होता कैसे। Bismillahirrahmanirrahim. In the lab session, we will determine the moment of inertia of flywheel. And the apparatus required is flywheel apparatus, stopwatch, string to attach the hanger, and measuring tape, hanger, and weight etc. Okay, this is our apparatus. This is flywheel, string attached to the hanger, and हैंगर का जो वेट हमारे पास है 1 न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद हम लोड और अप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 न्यूटन का हमने फर्दर लोड अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास जो टोटल लोड है हमारे पास 3 न्यूटन का हो गया, ठीक है। अब हमने ये हमारी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन टेबल है। हमने अब हमारे पास 2 पैरामीटर हैं जो एक रीडिंग के लिए ना, एक लोड है और एक इसकी हाइट है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम इसको लोड को कांस्टेंट रखें और हाइट को वेरी करें डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। तो हम क्या करेंगे कि लोड को वेरी करेंगे और हाइट को कांस्टेंट रखेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ के, और एक वैल्यू के अगेंस्ट हमने टाइम की 3 वैल्यूज़ लेनी है ताकि हम एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब आ सकें। और हम उनका इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 वैल्यूज़ टाइम की ले लें तो उसका टाइम ऑफ फॉल जो होगा फिर उसको हम उसकी एवरेज ले लेंगे, ठीक है। और सब वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, पी आर स्क्वेयर टी स्क्वेयर होगा 2h, जिसमें पी जो हमारे पास लोड है और आर जो है हमारे पास रेडियस ऑफ द स्पिंडल है जो है 0.01 मीटर, और हमारे पास टी हमारे पास टाइम है और डिवाइड बाई 2 उनको एच हमारे पास हाइट है, ठीक है। हमारे पास अभी पी हमारे पास इसमें 3 न्यूटन है और हाइट हम अभी सेट करते हैं कि हाइट मेजरिंग टेप के थ्रू हम इसकी हाइट सेट करेंगे। तो अभी हमने हाइट सेट करी है 1.3, ठीक है, 1.3 मीटर इसकी हाइट है। अब हम अभी इसको हम फॉल करेंगे तो इसका फॉल टाइम फाइंड करेंगे, स्टॉप वॉच के थ्रू हम इसका फॉल टाइम फाइंड करेंगे। ठीक है, टाइम हमारे पास फर्स्ट उसका है 9 सेकेंड, ठीक है। अब हम इसको दोबारा सेट करेंगे अपरेटस को, और हमने क्योंकि टाइम की हमने 3 रीडिंग्स लेनी है तो हमारे पास T1 है 9 सेकेंड, और उसी अब वही उसी लोड के साथ उसी हाइट के साथ हम टाइम
टाइम की दूसरी रीडिंग लेंगे, ठीक है। अब हाइट हमारे पास हमने अब रखनी है 1.3 मीटर, ठीक है। तो 1.3 मीटर हाइट है ये, तो अब स्टॉप वॉच से इसका हम टाइम ऑफ फॉल फाइंड करेंगे। अब 8.8 सेकेंड हमारे पास है इसका टाइम, 8.84 सेकेंड्स, ठीक है। अब इसके हम टाइम की इसी सेम रीडिंग के लिए टाइम की हम थर्ड रीडिंग लेंगे, फिर उसका एवरेज हम ले लेंगे। इसको हम सेट करेंगे थर्ड रीडिंग के लिए टाइम, थर्ड रीडिंग ऑफ टाइम ये हमारे पास आएंगे कि अब इसको हमने 1.3 मीटर पे सेट कर दिया, ठीक है। अब हम स्टॉप वॉच के थ्रू इसका फॉल टाइम फाइंड करेंगे। इसको हमने ड्रॉप कर दिया, अब टाइम हमारे पास है 8.88 सेकेंड्स। अब हमारे पास जो है फर्स्ट में टाइम था 9 सेकेंड, सेकेंड टाइम की हमारी वैल्यू थी 8.84 सेकेंड्स, और थर्ड टाइम की हमारे पास वैल्यू थी 8.88 सेकेंड्स। तो हम इसमें टी एवरेज फाइंड कर लेंगे, इन तीनों को सम करके 3 पे डिवाइड कर देंगे और टी एवरेज आ जाएगा फर्स्ट रीडिंग का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने किस तरह फाइंड करना है कि इन सब इस जो हमारा गिवन फार्मूला है इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। पी हमारे पास है 3 न्यूटन, 2 न्यूटन हमने अप्लाई किया था और 1 न्यूटन हमारा वेट उसका हैंगर का वेट था 3 न्यूटन। आर हमारे पास है 0.01 स्क्वायर आ जाएगा ये। टी हमारे पास इसकी जो एवरेज वैल्यू है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू h हमारे पास है हाइट 1.3 मीटर। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज इसकी आ जाएंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसी तरह हम लो अब 3 न्यूटन था तो फर्दर 1 न्यूटन या 2 न्यूटन हम लोड अप्लाई करते जाएंगे और हाइट को कांस्टेंट रख के इसी तरह हर वैल्यू के अगेंस्ट टाइम की 3 वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, टी एवरेज निकाल लेंगे और इस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है पी आर स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 2 जिसमें वैल्यू पुट करके हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और अब हमने क्या करना है कि एक स्पेसिमेन कैलकुलेशन है, ठीक है, जिसमें हम टी एवरेज और ये फार्मूले के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ पुट किए हैं वो हम इसमें लगाएंगे और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर ये जो इसका बिहेवियर है मुख्तलिफ चीज़ें जो आपने वेरी की हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर तो उसमें जो इसमें बिहेवियर में जो चेंजिंग आ रही है वो उसमें आप देखेंगे और उसमें अगर कोई एरर है तो वो भी आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू। होप सो आप लोगों को वीडियो देख के आइडिया कुछ हुआ होगा, समझ आई होगी। तो ये आप लोगों का टेबल है कैलकुलेशन का जो हम लोगों ने वहां से फिल किया है। तो लोड हमने पहले 3 न्यूटन अप्लाई किया, फिर 5 किया, फिर 7 किया, फिर 9 किया। लोड 3579 इसलिए है, एक्सपेरिमेंट में भी आपको बताया था कि लोड हमने 2 न्यूटन अप्लाई किया था पर हैंगर का बेसिकली 1 न्यूटन हमारे पास वेट होता है जो कि हमने फिर इसमें ऐड किया। उसके अगेंस्ट हमने टाइम निकाला T1, T2, T3 तीन दफा टाइम निकाला बेसिकली और फिर उसका एवरेज लिया और फिर उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पुट कर। होप सो आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया हो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।